नमस्कार, सिल्क टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरुचि गौर। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय भागलपुर सिटी डेवलपर्स। वर्चस्व को लेकर दो आपराधिक गुटों के बीच हुई ताबड़तोड़ बमबारी, पुलिस छावनी में तब्दील हुआ इलाका। भागलपुर में अपराधी हुए बेखौफ, दिन दहाड़े गैस एजेंसी वेंडर से हथियार के बल पर 25,000 रुपए लूट की घटना को दिया अंजाम। सिखों के पांचवे गुरु अर्जुन देव जी महाराज के 413वें शहीदी गुरु पर्व पर गुरुद्वारा में हुआ कई कार्यक्रमों का आयोजन। नगशिया में बढ़ते अपराध को लेकर एसपी निधि रानी ने पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक, क्राइम कंट्रोल के दिए निर्देश। और हबीबपुर में मां की डांट से नाराज इंटर के छात्र ने फंदा डालकर की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस। और अब खबरें विस्तार से। भागलपुर में वर्चस्व को लेकर दो आपराधिक गुटों के बीच जमकर बमबारी हुई। बमबारी की घटना से पूरे इलाके के लोग भयभीत हो गए और पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी। इस दौरान मोहल्ले के लोगों में अनहोनी की आशंका सताने लगी। घटना बबरगंज थाना क्षेत्र के मुगलपुरा कव्वाली मैदान की है, जहाँ फिरोज मियाँ गैंग के सदस्यों ने टिंकू मियाँ गिरोह के गुर्गों के ऊपर बम फेंकना शुरू कर दिया। इस दौरान टिंकू मियाँ के गुर्गों ने भी ताबड़तोड़ बमबार्डिंग की। बम की तेज आवाज से लोग दहशत में आ गए। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही सिटी डीएसपी राजवंश सिंह, मुजाहिदपुर इंस्पेक्टर राम इकबाल यादव के साथ मौके पर पहुंचे और घटना के संबंध में लोगों से जानकारी ली। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर बम के अवशेषों को जब्त कर लिया। वहीं पुलिस ने पूरे इलाके में घटना के बाद सर्च अभियान भी चलाया, लेकिन कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी। पूरे मामले को लेकर सिटी डीएसपी राजवंश सिंह ने कहा कि दोनों गुटों के बीच वर्चस्व को लेकर बमबाजी की घटना हुई, जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। और फिरोज लोग आया उसके 4-5 आदमी के साथ, तड़ा तड़ा बम पार्टिंग किया और भाग गया। कम से कम 4-5 बम मारा। मयार को पूरा चादर उधर सब जला दिया है, बस और कोई बात नहीं है। पूरा काटी उटी उठा के अभी हम लोग दिया है। मोहल्ले में आज फोन से कुछ लोगों ने बताया कि लोग जुटे हुए हैं, बम चल रहा है। इस सूचना पर आए हम लोग, तो कहीं कोई घायल नहीं था। जो पुराने दो क्रिमिनल हैं, फिरोज मियाँ और टिंकू मियाँ, इसी दोनों के गुटबाजी के चलते लगता है कि दोनों से कुछ लोग जुटे हुए थे, लेकिन कोई घायल नहीं है। तो पुलिस जो है यहाँ कैंप कर रही है, दोनों ओर से मामला दर्ज करने के लिए हम लोग आवेदन दे रहे हैं। अब ये लोग कह रहे हैं वो लोग हैं और वो पार्टी कह रहे हैं वो है, लेकिन चूंकि कोई घायल नहीं हुआ है और बम भी कुछ इस तरह का नहीं है, तो हम लोग देख लेते हैं आवेदन क्या आ रहा है। अभी फिलहाल तो हम लोगों ने शांति व्यवस्था के लिए यहाँ दोनों पक्षों से बात किया था और उसका दर्ज किया। किसका नाम भी आया सर? हाँ, ये पक्ष दे रहा है टिंकू मियाँ के भाइयों का नाम, और वो पक्ष दे रहा है फिरोज मियाँ, जो मौखिक तौर बताया, लिख के क्या दे रहा है वो हम देख रहे हैं। इन दिनों अपराधियों के हौसले काफी बुलंद हैं। अपराधी दिन दहाड़े हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। शुक्रवार को मौसम गैस के वेंडर से अपराधी हथियार के बल पर 25,000 रुपए लूट कर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि मानिकपुर दुर्गा मंदिर के समीप ग्राहकों को गैस की डिलीवरी देने ऑटो से वेंडर जा रहा था। इसी दौरान अपराधी ने ऑटो को रोक कर पहले गैस एजेंसी का नाम पूछा और उसके बाद वेंडर से हथियार के बल पर रुपए से भरा बैग लूट कर फरार हो गया, जिसके बाद लूट के शिकार हुए वेंडर ने इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं बबरगंज पुलिस लुटेरों की गिरफ्तारी में जुट गई है। सिख धर्म के पांचवे गुरु अर्जुन देव जी महाराज के 413वें शहीदी गुरु पर्व के अवसर पर भागलपुर के गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में शुक्रवार को कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रमों की शुरुआत गुरु ग्रंथ पाठ से हुई। कार्यक्रम में गुरु के जीवनी पाठ कर बलिदान को भी नमन किया गया। इस दौरान कच्ची लस्सी का वितरण कर भंडारा का भी आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। सरदार हर्षप्रीत ने कहा कि 1606 ईस्वी 22 जेठ के दिन गुरु अर्जुन देव ने बलिदान दिया था और इसी को लेकर सिख समुदाय के ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर सरदार त्रिलोचन सिंह, खेमचंद बचियानी, बलवीर सिंह, हरचरण सिंह समेत काफी संख्या में युवक युवती, पुरुष एवं महिला श्रद्धालु मौजूद थे। आज श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज, जो सिख समुदाय के पांचवें गुरु हैं, उनका 413वां शहीदी गुरुपुरब आज मनाया गया। सन 1606 ईस्वी में श्री गुरु अर्जुन देव जी ने मुगल साम्राज्य में के द्वारा उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए कहा गया, जिसको उन्होंने सादर तरीके से ठुकरा दिया और कई शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा देने के बाद भी उन्होंने अपने धर्म को नहीं त्यागा
और एक समाज के लिए एक शांति और अहिंसा का एक प्रतीक कायम किया, चित्र कायम किया। आज जो हम लोग का गुरुद्वारा परिसर में जो कार्यक्रम हुआ है, सुबह 10:30 बजे से सुखमणि साहब का पाठ सामूहिक रूप से, उसके बाद शहर के कई जगहों पर कच्ची लस्सी का वितरण किया गया। कच्ची लस्सी का मानना जाता है कि गुरु अर्जुन देव जी के अंतिम समय में उन्हें कच्ची लस्सी पिलाई गई थी। तब से परंपरा पूरे भारतवर्ष में चली आ रही है कि कच्ची लस्सी का वितरण किया जाता है हर जगह। भागलपुर के पुलिस जिला नगरछिया SP कार्यालय में SP निधि रानी ने जिले में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ क्राइम मीटिंग की। बैठक में शामिल पुलिस अधिकारियों से SP ने हाल के दिनों में हुए आपराधिक घटनाओं पर पुलिसिया कार्रवाई की जानकारी ली, साथ ही सभी संवेदनशील केसों की प्रगति की समीक्षा की। SP ने पुलिस मुख्यालय द्वारा मद निषेध संबंधित जारी किए गए नए दिशा निर्देश को विस्तार पूर्वक पुलिस अधिकारियों को बताया। वहीं नगरछिया पुलिस जिले में शामिल किए गए 11 नए दरोगा को विशेष ट्रेनिंग देने और जमानत पर जेल से बाहर आए अपराधियों पर विशेष नजर रखने का निर्देश अधिकारियों को दिया। मीटिंग में सभी DSP और थानेदार मौजूद थे। पुलिस जिला में क्राइम मीटिंग हुआ था मंथली, तो इसमें हम लोगों ने क्या हम लोग का डिस्पोजल का स्थिति है उस संदर्भ में रिव्यू किया। कुछ सेंसेशनल केसेस जो पिछले माह में हुए थे उसमें अनुसंधान की क्या स्थिति है, जिसमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, उनके विरुद्ध में वारंट का जो है वो लिया गया है कि नहीं लिया गया, उसका क्या अद्यतन स्थिति है, उस संदर्भ में समीक्षा की गई। और साथ ही जो है मद निषेध से संबंधित कुछ गाइडलाइंस मुख्यालय से प्राप्त हुई थी, तो उस संदर्भ में सभी थाना प्रभारियों को विस्तार पूर्वक सब जो दिशा निर्देश हैं उनकी जानकारी उनको दी गई है, ताकि मद निषेध के आगे जो भी कांड दर्ज होते हैं तो उसके अनुसंधान में जिन जिन मुख्य बातों का ध्यान रखना है उस सब का ध्यान वो लोग रखें। उसमें जब्ती सूची से संबंधित कुछ डायरेक्शंस हैं मुख्यालय से कि जिसमें जो छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं अनुसंधानकर्ता के स्तर पे जब्ती सूची बनाने के समय में, तो उसी में उससे संबंधित कुछ गाइडलाइंस हैं जिसमें सबको एक एक प्रति उपलब्ध करा दिया गया है थाना प्रभारियों को, और उनको सबको आज उस बारे में बता भी दिया गया है एक तरीके से कि उसमें क्या क्या उन लोगों को सावधानी रखनी है। जिला में कुछ अभी जो नए दरोगा लोग भर्ती हुए हैं सब इंस्पेक्टर्स, उसमें से 11 लोग जो है नौगछिया पुलिस जिला में अभी मतलब एक हैंड्स ऑन के लिए ट्रेनिंग के लिए हैं, जिसमें DIG भागलपुर महोदय के स्तर से उनको नौगछिया थाना में दिया गया है ट्रेनिंग के लिए। तो उन लोगों से भी उन लोगों ने एक मीटिंग किया है, उनको भी क्या क्या पुलिस विभाग में आने के बाद उनसे उम्मीदें हैं और क्या क्या उनकी बातों पर उनको ध्यान रखना है उस संदर्भ में उन सबको जानकारी दी गई। घर में मां की डांट फटकार से नाराज 17 वर्षीय युवक ने गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। मृतक युवक की पहचान दाऊदबाट निवासी सेवानिवृत्त सरकारी अधिवक्ता अनिरुद्ध प्रसाद के पुत्र पीयूष कुमार के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि गुरुवार की रात पीयूष पढ़ाई के बदले अपने मोबाइल में व्यस्त था। इसी दौरान माँ ने पीयूष की आदतों को लेकर डांट फटकार लगाया, जिसके बाद गुस्से में आकर युवक अपने कमरे में बंद हो गया और गले में फंदा डालकर झूल गया। शुक्रवार की सुबह जब परिजनों ने पीयूष को जगाने के लिए आवाज लगाया तो कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद परिजनों ने दरवाजा तोड़ा तो पीयूष को फंदे से झूलता पाया। घरवालों ने घटना की जानकारी हबीबपुर पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको फंदे से नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नगरछिया नदी थाना के गुआरीडीह बहियार से 65 वर्षीय किसान उमेश राय का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। उमेश राय बहियार में अपने बासा पर मवेशी और फसल की रखवाली को लेकर रहता था। शुक्रवार की सुबह जब किसान और खेतीहर मजदूर बहियार गए तो बासा के समीप धूल से सने उमेश राय का शव देखा, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना मृतक के परिजन और पुलिस को दी। वहीं घटनास्थल पर मृतक के शव के समीप मक्का का बोरा पाए जाने से आशंका व्यक्त की जा रही है कि मक्का चोरी करने के आरोप में वृद्ध किसान की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं इस मामले पर SP निधि रानी ने कहा कि पीट पीट कर किसान की हत्या हुई है और प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि लोगों ने चोरी करते रंगे हाथ पकड़ने के बाद उमेश राय की हत्या कर दी। पुलिस जल्द ही मामले में शामिल लोगों को गिरफ्तार करेगी। आज नदी थाना जो पड़ता है नौगछिया नदी थाना, वहाँ पे एक सुबह में सूचना मिली थी कि उमेश राय उम्र करीब 65 वर्ष उनका जो है उनके बासा पे हुए लगभग रहते थे अपने खेत में, तो वहीं पे उनकी लाश मिली है। तो उस संदर्भ में अभी तक जो बात सामने आई है कि परिवार वालों ने किसी का नाम नहीं दिया है, ना ही किसी से दुश्मनी बताई है, लेकिन जो प्राइमरी फेसी बात सामने आ रही है कि वो अपने बासा पे ही रहते थे, वहीं पे पशु वगैरह भी रखते थे और रखवाली करते थे अपने खेतों की और बासा पे।
तो उसमें ग्रामीण स्तर से जो पता चला है कि उनका जो है एक दो बार पहले में वो किसी से मक्का किसी का मक्का चुराते हुए या फिर किसी के खेत में जानवर अपने घुसा देना उस तरीके की उनकी प्रवृत्ति थी, तो उसमें कभी कोई आपराधिक मामला उनके विरुद्ध में दर्ज नहीं हुआ, लेकिन ग्रामीण स्तर पे उस मामले को लोगों ने सुलझा दिया। तो ऐसी संभावना परिवार वालों के द्वारा व्यक्त की जा रही है और ग्रामीणों के द्वारा भी, तो वो कि हो सकता है कि वो रात में किसी के यहाँ पे कुछ शायद मक्का वगैरह चुराने गए थे और उसी में उनके ऊपर में मतलब जिसका चुराने गए थे उनके द्वारा हमला किया गया। और चूंकि वो काफी वृद्ध थे 65 वर्ष के थे और शारीरिक रूप से भी कोई हष्ट पुष्ट नहीं थे, कमजोर व्यक्ति थे, तो उसी में उनकी मृत्यु हुई। बाकी पोस्टमार्टम के लिए बॉडी गया है, पोस्टमार्टम के बाद क्लियर हो पाएगा कि कारण क्या है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सिल्क टीवी। अगरबत्ती परिवार की तरफ से आप सभी देशवासियों को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। किसान अगरबत्ती, धरती पर जले आकाश तक महके। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। आइए देखते हैं अगली खबर। बिहार के बहुचर्चित सृजन घोटाला मामले की जांच में एक बार फिर से तेजी आ गई है। गुरुवार को भागलपुर पहुंची सीबीआई की टीम ने भागलपुर से बैंक ऑफ बड़ौदा के तत्कालीन क्रेडिट मैनेजर और बड़े व्यवसायियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। इसके साथ ही सीबीआई के दोबारा भागलपुर आने से शहर के कई सफेदपोशों में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि संबंधित बैंक कर्मी घोटाले के समय भागलपुर के घंटाघर स्थित बैंक की शाखा में क्रेडिट मैनेजर के तौर पर कार्यरत थी और वर्तमान में कोलकाता के एक ब्रांच में मैनेजर के तौर पर काम कर रही है। वहीं संबंधित व्यवसायी के सृजन समिति की संचालिका मनोरमा देवी से नजदीकी थी और पूर्व में वह सृजन समिति का अकाउंट देखता था। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से कटकर शुक्रवार को युवक की मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान बांका बाराहाट थाना क्षेत्र के कुनौनी गांव निवासी नीरज कुमार सिंह के रूप में हुई है। मृतक युवक भागलपुर के साहेबगंज मोहल्ले में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता था। शुक्रवार की सुबह गांव जाने के लिए मंदार हिल ट्रेन पकड़ने रेलवे स्टेशन पहुंचा। इसी दौरान पटरी पार करने के क्रम में फरक्का एक्सप्रेस की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंचे जीआरपी पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस ने मृतक के पास से बरामद कागजात के आधार पर परिजनों को घटना की जानकारी दी। भागलपुर साहिबगंज रेल खंड पर एकचारी स्टेशन के समीप पटरी पार करने के दौरान मालगाड़ी की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई, जबकि मृतक महिला की बेटी गंभीर रूप से जख्मी हो गई, जिसे इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक महिला की पहचान एकचारी मठ स्थान निवासी अनुपलाल मंडल की पत्नी किरण देवी के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि प्रतिदिन की तरह महिला अपनी बेटी के साथ सब्जी बेचने के लिए दानापुर साहिबगंज इंटरसिटी से पीरपैती जाने के लिए प्लेटफॉर्म संख्या 1 से दूसरे प्लेटफॉर्म पर पटरी पार कर जा रही थी। इसी दौरान वह मालगाड़ी की चपेट में आ गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा जय श्री राम के नारे लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने के विरोध में भाजपा नेता डॉ मृणाल शेखर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं और आम लोगों के द्वारा जय श्री राम का नारा लिखा पोस्टकार्ड दूसरे दिन भी भेजा गया। कार्यक्रम के दौरान पूरा अमरपुर बाजार जय श्री राम के नारों से गूंजता रहा। इस दौरान डॉ मृणाल शेखर ने कहा कि बंगाल की मुख्यमंत्री एक खास वर्ग के लोगों के तुष्टीकरण को लेकर श्री राम के जयकारे लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है, जो अनुचित है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बंगाल की जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। इस मौके पर गौतम मोदी, प्रीतम शाह, मृत्युंजय शर्मा, संजीव सिंह, विश्वजीत सिंह समेत काफी संख्या में लोग मौजूद थे। आज अमरपुर बाजार में है अमरपुर विधानसभा के शंभूगंज से
कल हम लोगों ने 11,000 पोस्टकार्ड ममता दीदी को लिखने की शुरुआत की थी। आज हम लोगों का काफिला अमरपुर पहुंचा है। अमरपुर में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आज पोस्टकार्ड लिखी है और यहां पोस्टकार्ड हम लोग पोस्ट बैग में डाल रहे हैं। आज हमने ममता बनर्जी का एक वहां पर एक स्टेटमेंट सुना। ममता दीदी कह रही थी कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। मैं ममता दीदी को कहना चाहता हूँ कि दीदी जो हमसे टकराएगा वो हमें ही मिल जाएगा। गणपत राय सलारपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर में चल रहे भारतीय शिक्षा समिति बिहार पटना के तत्वाधान में प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ प्रदेश सचिव गोपेश कुमार घोष और मथुरा नाथ पांडे ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित और पुष्पार्चन कर किया। प्रशिक्षण वर्ग में प्रशिक्षणार्थियों का मार्गदर्शन करते हुए प्रदेश सचिव ने कहा कि शिक्षण अधिगम को प्रेरित करने वाली एक पद्धति है। आदर्श शिक्षक को मनुष्यों का निर्माता, राष्ट्र निर्माता, शिक्षा पद्धति की आधारशिला व समाज को गति प्रदान करने वाला माना जाता है। मौके पर प्रदेश सचिव प्रकाश चंद्र जायसवाल, रमेश चंद्र द्विवेदी, धीरेन्द्र झा, राजेश रंजन समेत विद्यालय के सभी शिक्षक गण उपस्थित थे। नाथनगर के राघोपुर, रत्तीपुर, बैरिया, भतोड़िया, भुवालपुर और शंकरपुर बेलखोरिया पंचायत में SDRF गोताखोर दल के द्वारा बाढ़ सुरक्षा सप्ताह का प्रशिक्षण दिया गया। SDRF की टीम ने बाढ़ सुरक्षा सप्ताह के दौरान प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के टिप्स दिए। मौके पर SI शिवजीत सिंह ने लोगों से कहा कि आपदा के समय घबराए नहीं, उनसे बचने के तरीके को अपनाएं और बाढ़ आने पर सबसे पहले ऊंचे स्थान पर चले जाएं। वहीं SDRF जवान विजय कुमार और भवेश कुमार ने बाढ़ के दौरान आने वाली विपदाओं का डेमो के माध्यम से जानकारी दी। भागलपुर के निर्देशानुसार बाढ़ सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जो कि बाढ़ का पूर्व तैयारी इस प्रकार से किया जाए। ग्रामीण जनता या प्रतिनिधि को बता रहे हैं कि बाढ़ से पहले क्या करना है, बाढ़ के बाद में क्या करना है और सर्पदंश और ठनका का उपाय तरीका बताया जा रहा है। आज 6 पंचायत में हो रहा है, जिसमें 4 सफल हो गया है, अभी 2 से रिजर्व। नाथनगर ललमटिया थाना क्षेत्र के सुभाष पार्क स्थित इमाम बाड़ा कमेटी की ओर से ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दोनों समुदाय के लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाई दी, साथ ही सवैयां सहित अन्य लजीज व्यंजन का लुत्फ उठाया और आपसी सौहार्द कायम रखने की अपील की। इससे पूर्व नगर कमेटी के सदस्य मोहम्मद शाहबाज खान और सचिव मोहम्मद अजहर अली ने समारोह में उपस्थित अतिथियों का स्वागत किया, साथ ही कहा कि यहाँ के लोगों को अमन चैन पसंद है और से आगे भी इसी तरह कायम रखना होगा। मौके पर इब्रार अंसारी, अलीम अंसारी, डॉक्टर अशोक कुमार आलोक, अमरकांत मंडल, उबैद उल्लाह आदि उपस्थित थे। और अंत में चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय भागलपुर सिटी डेवलपर्स। वर्चस्व को लेकर दो आपराधिक गुटों के बीच हुई ताबड़तोड़ बमबारी, पुलिस छावनी में तब्दील हुआ इलाका। भागलपुर में अपराधी हुए बेखौफ, दिन दहाड़े गैस एजेंसी वेंडर से हथियार के बल पर 25,000 रुपए लूट की घटना को दिया अंजाम। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी महाराज के 413वें शहीदी गुरु पर्व पर गुरुद्वारा में हुआ कई कार्यक्रमों का आयोजन। नगशिया में बढ़ते अपराध को लेकर SP निधि रानी ने पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक, क्राइम कंट्रोल के दिए निर्देश। और हबीबपुर में मां की डांट से नाराज इंटर के छात्र ने फंदा डालकर की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।